हौसला हो जब उड़ने का, हौसला हो जब उड़ने का तो पंख भी नहीं आ जाते हैं। ध्यान रख बस सबका, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीर हो गया प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल की दो सबसे यंग और न्यू टीम्स के बारे में, जो कि लखनऊ और गुजरात के बीच में आईपीएल का 21वां मैच खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ गुजरात टाइटंस है तो वहीं दूसरी साइड लखनऊ सुपर जायंट्स है। इन दोनों की जब जब टक्कर होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। अब तक आईपीएल में लखनऊ की टीम गुजरात को कभी नहीं हरा पाई, लेकिन दोनों ही टीम्स इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। यह मैच आपको 7 अप्रैल को लखनऊ के अटल बिहारी कन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर सूर्या भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी जबरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 4 मैच खेले गए, जिसमें से गुजरात 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर लखनऊ 0 मैच जीत के आ रही है। अगर बात करते चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे लखनऊ के पिच हमेशा से बॉलर्स को सूट करती है, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलती है, बैटर को शुरुआती ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे टॉस जीतकर टीम यहाँ पे पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब अगर बात करते चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का अवे स्कोर 154 है तो वहीं पे सेकंड इनिंग का अवे स्कोर 143 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट के बाद टीम ने अच्छा कमबैक करते हुए 3 मैच में से 2 मैच जीत के आ रही है, जहाँ पे लास्ट गेम में टीम आरसीबी को उसके घर पे ही हरा दिया, जहाँ पे टीम के लिए ओपनिंग में आपको क्विंटन डीकॉक और के एल राहुल किया था, जहाँ पे डीकॉक ने 81 रन बनाए थे। नंबर 3 पे जहाँ पे डेवडक पटिकल जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, जहाँ पे आयुष बोधनी टीम के लिए अब तक रन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं पे लोअर ऑर्डर में जहाँ पे मार्कस स्टोनिस जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज के निकोलस पुरन लगातार रन भी बना रहे, वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। टीम की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है और नवीन हुलक जो कि 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई जो टीम के एक्स फैक्टर है, आईपीएल की सनसनी मयंक यादव जो कि 150+ स्पीड बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए थे, वहाँ 2 मैच में दोनों बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी जीता, जहाँ पे एम सिद्धार्थ को भी मौका मिला था, उन्होंने भी 1 विकेट लिया था। अब अगर बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन डीकॉक है, केएल राहुल है, डेवडक पटिकल है, निकोलस पुरन है, आयुष बोधोनी है, मार्कस स्टोनिस है, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई है, नवीन उल्लक है, मयंक यादव है, यश ठाकुर है। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि एम सिद्धार्थ है, सैमर जोसेफ है, अमित मिश्रा, दीपक हुड्डा, के गौतम है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, मयंक यादव है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे गुजरात का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला चल रहा है। टीम 1 मैच जीतती है तो 1 मैच अगला मैच हार जाती है, टीम में कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिल रही है साफ। टीम ने अब तक 4 मैच में से 2 मैच जीत के और 2 मैच हार के आ रही है। वहीं लास्ट गेम में टीम पंजाब से जीता हुआ मैच भी हार गई थी। टीम इस पिच पे प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है। वहीं पे शुभम गिल और रिद्धिमान शाह टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे शाह अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। गिल ने लास्ट गेम में 2024 आईपीएल टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 89 बनाया था। नंबर 3 पर जहाँ पे साई सुदर्शन जो कि लगातार रन भी बना रहे हैं, जहाँ पे डेविड मिलर की जगह केन विलियमसन को मौका मिला था पिछले मैच में। इस बार बैटर्स का सामना युवा सनसनी मयंक यादव से होगा, जहाँ पे मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर और अजमतुल्ला जो टीम को स्टेबल करेंगे, ऑर्डर में जहाँ पे राहुल त्रिवतिया हिटिंग एबिलिटी भी रखते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन फिर भी टारगेट सेव नहीं कर पाए, जहाँ पे नूर अहमद को चांस मिला और उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे। उमेश यादव और मोहित शर्मा दोनों अच्छे स्पेल भी डाल रहे हैं, जहाँ पे राशि खान इस साल अब तक अनइफेक्टिव देख रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल है, रिद्धिमान शाह, विजय शंकर है, साई सुदर्शन है, केन विलियमसन है, राहुल तिवतिया, अजमतुल्ला है, राशिद खान है, नूर अहमद है, मोहित शर्मा, उमेश यादव है। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि दर्शन नलकंडे है, शरद बिहार है, संदीप वॉरियर है, अभिनव मनोहर है, मानव सुथर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है, मोहित शर्मा है।
तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर लखनऊ होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पर भी हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर यहाँ पे लखनऊ होगा। यहाँ पे गुजरात टाइटंस को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।